अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजिंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्विक और इजी मटन बिरयानी की रेसिपी। तो रेसिपी ज़रूर देखें और ट्राई करें, वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड में आपको रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे, हल्का सी शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आधा किलो आलू हम ऐड कर रहे हैं डाइस करके। 1.5 कप ऑयल हीट कर लिया था, इसमें आलू पहले हल्का सी शैलो फ्राई कर देंगे, हल्का सी सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करके, और इसे फ्राई करके अलग से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हल्का शैलो फ्राई हो चुका है आलू। अब इसे हम सेपरेट एक प्लेट में निकाल देंगे और फिर उसके बाद बिरयानी के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बिरिस्ता हम अच्छी क्वांटिटी में पहले से बना के ऑलरेडी रखते हैं। अगर आपके पास बिरिस्ता बनाया हुआ नहीं है तो आप आलू फ्राई करने के बाद बिरिस्ता बना लें। अब इसमें हमने 3 कप स्लाइस अनियन ऐड कर दिया है, इसे भी हल्का सी शैलो फ्राई कर देंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, 1 बे लीफ, बहुत बड़ा है इसके लिए मैंने 1 ऐड किया है। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, और साथ में 1 टीस्पून जीरा, 6 इलायची, और साथ में 7 से 8 लौंग और 2 दालचीनी, 1 जावित्री फूल, ये सब ऐड कर देंगे। प्याज के साथ इसे भी फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर हमने सूखे मसालों में लिया है 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून बॉम्बे बिरयानी मसाला, और 1 टेबलस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। अब इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबलस्पून, आप अपने खाने की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अब इसे भी अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। अच्छी तरह से भून जाए, इसका रॉ फ्लेवर कुक हो जाए अच्छी तरह से, फिर इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची और पुदीना, स्पाइस टेस्ट के हिसाब से पुदीना ऐड करें, रेड चिली पाउडर भी हम ऐड कर रहे हैं। इतनी नहीं, कितनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। थोड़ी सी कोथमीर, स्लाइस किया हुआ टमाटर, सब ऐड करें। ये ऐड कर दिए चॉप की हुई कोथमीर, कोथमीर पुदीना 1/2 कप ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड कर देंगे टमाटर स्लाइस किया हुआ 1 कप। कर लेते हैं इसे मिक्स। अब सारे सूखे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, बेहतरीन इसे भी सौते कर लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या जाएगा मम्मा? दही एज यूजुअल। मसाला भी अच्छी तरह से फटाफट से भून जाए, इसमें ऐड कर देंगे दही। दही ऐड करके दही को अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को। 1 कप दही ऐड किया है हमने, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसालों में और भून लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने 2 kg मटन बॉईल करके ऑलरेडी रखा था। इसमें जैसे नॉर्मली हम बॉईल करते हैं अदरक लहसुन और सारे खड़े गरम मसाले ऐड करने होते हैं, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ी सी प्याज, वही सब ऐड करके हमने इसे बॉईल कर लिया है। और इसी में से हम थोड़ा सी मटन बनाएंगे अलग से, काली मिर्च मटन और थोड़ा सी बिरयानी।
देखें ये मटन इतना हम ऐड कर देंगे बिरयानी में, हमने ऐड कर दिया और इसे अच्छे तरह से मसालों में भून लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर आ जाए मटन में। और साथ ही ऐड कर देंगे आलू, अच्छी तरह से इसे मिक्स करके भून लें। और फिर एक तरफ हम रख देंगे राइस बॉईल करने के लिए और ये मटन अच्छी तरह से मसालों में भून जाएगा और राइस कुक हो जाएगा तो इसके ऊपर हम लेयर कर देंगे और दम पे रख देंगे। और थोड़ा सी अराउंड 1 कप हमने मटन ब्रॉथ इसमें ऐड किया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सी ऐड करें, इससे क्या मटन का भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप ऐड कर दें। अब इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मटन बॉईल करने के लिए हमने रखा था तभी भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो उस हिसाब से बिरयानी में भी मटन ऐड करने के बाद उस हिसाब से हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे। आप लेमन जूस ऐड कर देंगे, दैट्स इट। और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। है ना कितना बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह से। अब इसे लिड क्लोज करके कुक करेंगे 10 to 15 minutes के लिए। देखिए यहाँ पर हमने राइस भी बॉईल कर चुका है, ये कुक हो चुका है, अब इसे लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दिया था बासमती राइस, 1.25 किलो बासमती राइस हमने दिया था, अब ये कुक हो चुका है। चलो कर देते हैं लेयर। इसमें थोड़ा सी 1/4 कप बिरिस्ता ऐड कर देंगे, एक बार स्टर कर लेते हैं अच्छी तरह से। दैट्स इट। अब राइस को कर देंगे इसके ऊपर लेयर, इस तरह से पूरा लेयर कर देंगे राइस को। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे हल्का सी कलर, ग्रीन, येलो, रेड, आपको जो कलर पसंद है आप ऐड कर दें। पानी या मिल्क में भी आप ऐड करके ऐड कर सकते हैं कलर, या फिर डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। और 1/4 कप बिरिस्ता इसके ऊपर लेयर कर देंगे। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मिल्क, 1/2 कप जितना मिल्क ऐड कर देंगे ऊपर से, दैट्स इट। और इसके ऊपर ऐड कर देंगे 4 to 5 tablespoons घी। इसी तरह से ऐड करके इसे दम पे रख देंगे 15 मिनट्स के लिए और हमारी बेहतरीन सी मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा कर लिड क्लोज करके आप इसे दम पे रख दें और 15 मिनट्स में हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप एक कपड़ा भी रख सकते हैं, फॉइल पेपर भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से दम हो चुकी है, 10 to 15 minutes के लिए हमने रखा था। अब इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। एकदम बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये रही मज़ेदार सी बेहतरीन बिरयानी। देखें ये क्विक और इजी मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी, आप भी जल्दी से ट्राई करें और गर्मा गर्म बनाकर खाएं, खिलाएं, इंजॉय करें और सैलड के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।